ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा गूढ़ रहस्य साझा करने वाला हूं जो आपके हर बिगड़े हुए काम को बना देगा। मेरे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं जिनमें कि लोग भरसक प्रयास करते हैं लेकिन उनके काम नहीं बनते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक छोटी सी चूक से उनका बना बनाया काम बिगड़ जाता है। पूरी तैयारी होने के बाद भी काम नहीं बनते हैं। अगर कभी जीवन में ऐसी कोई परेशानी आए जहां पर आपके काम ना बन रहे हों, कोई दवा काम ना कर रही हो, कोई इलाज आपके लिए काम ना कर रहा हो, मृत्युशैया पर कोई पड़ा हो आपका परिवार का जन, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये आप कहीं भी किसी भी परेशानी में उपयोग में ला सकते हैं और ये इतना सटीक है कि इसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रयोग को तब करें जब आप सारे प्रयोग करके हार गए हों। कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र आपके लिए उपयोगी ना साबित हो रहा हो, उस समय इस प्रयोग को कीजिएगा। तो हमारी धरा पर कुछ ऐसे देवगण हैं जो चिरकाल से आज तक जीवित हैं। उनमें से जो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं वो है हनुमान जी। ये चिरकाल से आज तक इस धरती पर बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। तो उनको प्रसन्न करने का एक बहुत ही सरल उपाय मैं आज आपको बताऊंगा जो कि आपकी किसी भी परेशानी को क्षण भर में दूर कर देगा। आपको करना इतना है कि राम का नाम लेना है 108 बार। 108 बार राम का नाम लीजिए, उसके बाद 100 बार हनुमान चालीसा को पढ़िए। हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है जो कोई 7 बार पाठ इसका करेगा, मतलब कि 100 बार पाठ हनुमान चालीसा का करेगा, उसके जितने भी विकार हैं, जितने भी दोष हैं, जितने भी क्लेश हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे, चाहे किसी भी तरह की परेशानी हो। ऐसा करने के बाद आपको क्षण भर में ही, अगले ही क्षण आपको उसका असर दिख जाएगा। अगर कोई भी परेशानी हो तो छोटा सा उपाय करके देखिएगा और आपके जो कार्य हैं वो सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। 108 बार राम का नाम लीजिएगा पहले, उसके बाद 100 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है बिना रुके। ना पानी पीना है ना कुछ, बस आपको 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेनी है और अंत में आपका जो भी मनोरथ है वो स्पष्ट करना है कि हनुमान जी मेरा ये प्रयोजन है और ये परेशानी है, इनको दूर कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि कुछ ही क्षणों में आपकी जो परेशानी थी वो कहाँ गायब होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपके जो भी इसमें विचार हो, जो भी आपका अनुभव हो, इसमें मुझे ज़रूर साझा कीजिएगा ताकि मैं अपने दूसरे दर्शकों को भी दिखा सकूँ। किसी भी परेशानी के लिए कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर। धन्यवाद।